आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, और आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के मैं डेली क्वेश्चंस करवाती हूँ, तो मैंने क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और इस बार मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स का मार्केट चैप्टर और भी जितने चैप्टर्स हैं इंडिफरेंस का सबको मिला जुला के मैंने अच्छे वाले क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिपीट हो के एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट इन टू डिफरेंट प्लांट्स मैक्सिमाइजेस हिज प्रॉफिट। ठीक है, देखिए जब मोनोपोलिस्ट मतलब आपको मैंने बहुत बार बताया मोनोपोली मतलब क्या होता है, मोनो स्टैंड फॉर सिंगल, पोली स्टैंड फॉर सेलर। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल, पोली मींस सेलर। ठीक है, ये क्या है, सिंगल है, मोनो मींस सिंगल, पोली मतलब सेलर। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि मोनोपोलिस्ट, जो मोनोपोली मार्केट में जो भी सेलर्स होते हैं, जो वहाँ पे मेन जो सामान को बेचते हैं उसको हम लोग मोनोपोलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस करता है होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, दो टू डिफरेंट प्लांट्स में मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। इस सिचुएशन में क्या होगा, ये कुछ चार सिचुएशंस क्वेश्चन में गिवन है। एमसी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर मार्जिनल कॉस्ट टू, ये एमसी वन है, एमसी टू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू बराबर होगा। एमसी वन एमसी टू इज, देखिए एमसी टू ग्रेटर है एमसी वन से, एमसी वन इज ग्रेटर देन एमसी टू एंड एमसी वन इज इक्वल टू एमसी टू इज इक्वल टू एमआर। ठीक है, तो हम लोग ने एक चीज पढ़ी थी कि मोनोपोली मार्केट आपको थोड़ा बहुत याद होगा, अगर आपको याद नहीं है तो मैंने मोनोपोली मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट मैंने पर्टिकुलर एक प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है। ठीक है, आप उसमें पढ़ लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे बताया था कुछ इस तरीके से, आपका ए आर और आपका एम आर कर्व होता है। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपका ए आर एम आर कर्व होता है और यहाँ पर एक ऐसे करके ऊपर की ओर जाता है, ये होता है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो एक पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि एमसी एमसी और एम आर, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिन रेवेन्यू दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वहां पे आप उसको क्या होगा, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। ठीक है, जब एमसी वन मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों एक दूसरे को कट करता है, वहां पे मैक्सिमम होगा प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट दो है इस क्वेश्चन में, एमसी वन भी है एमसी टू है। ठीक है, इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एमसी वन के बराबर एमसी टू है इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। सिंगल भी अगर रहता, हम लोग ने मोनोपोली मार्केट पढ़ा है, वहां पर हम लोग ने पढ़ा है ओनली एक ही मार्जिन कॉस्ट होता है और एक ही मार्जिन रेवेन्यू होता है। ठीक है, इस केस में ये सही है, MC is equal to MR, और अगर मार्जिनल कॉस्ट दो हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको उसको मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल करना है। वो इक्वल तब होगा जब ये देखिए MC कर्व ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, यू शेप में है, ये MR कर्व है, ये दोनों एक दूसरे को कट करेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वहां पे हो जाएगा मैक्सिमाइज, वहां पे मैक्सिमाइज इज प्रॉफिट। ओके, तो मैक्सिमम प्रॉफिट का इक्विलिब्रियम का सिचुएशन यही होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, आंसर आपका हो जाएगा डी, एमसी वन इज इक्वल टू एमसी टू इज इक्वल टू एमआर। ठीक है, ये जो आपको लिखा हुआ ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है। नॉर्मली मार्जिनल कॉस्ट के बराबर मार्जिनल रेवेन्यू हम लोग ने पढ़ा है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बढ़ा लिया एमसी टू, इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं, ये कंसेप्ट वही है जो आपने मोनोपोली मार्केट में इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी, ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टू कमोडिटी एक्स एंड वाई आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दो कमोडिटी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, देन द इंडिफरेंस कर्व वुड बी, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा। ठीक है, तो अगर दो कमोडिटी एक्स एंड वाई परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व होगा आपका कुछ एक्स एक्सिस लिखते हैं, वाई एक्सिस कुछ एल शेप का होगा। ठीक है, इस तरह से एल शेप का होगा जब आपका इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सॉरी दो कॉमोडिटी कॉम्प्लीमेंट्री होगा, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, तब आपका इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा, एल शेप कर्व होगा, एल शेप कर्व। ठीक है, एल शेप कर्व होगा।
आप क्वेश्चन में आपको जहां भी एल शिफ्ट कर मिल जाएगा वो आपका सही होगा। देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन रॉन्ग, डाउनवर्ड स्लोपिंग कन्वेक्स टू द ओरिजिन भी रॉन्ग, डाउनवर्ड स्लोपिंग कनकेव फ्रॉम बिलो ये भी रॉन्ग, एल शिफ्ट कर करेक्ट आंसर विल बी डी एल शिफ्ट कर। क्वेश्चन हमारा क्या है कि हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, जब भी एमपीसी का वैल्यू हायर होगा, एमपीसी का वैल्यू हायर होगा तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन है कौन सा सुटेबल है, जो करेक्ट आंसर सुटेबल होगा उसमें हम लोग टिक लगाएंगे। देखिए फर्स्ट क्या, हायर विल बी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, ठीक है, तो फर्स्ट क्या बोला एमपीसी आपका क्या है हायर है तो मल्टीप्लायर यहाँ पे हायर, ठीक है, हमें शुरू में ही सही आंसर मिल गया। एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, एमपीसी घटेगा तो मल्टीप्लायर भी घटेगा, ठीक है, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है मतलब पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है, तो एमपीसी देखिए एमपीसी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है हायर हो रहा है तो मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी हायर होगा, एमपीसी अगर घटेगा मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन टू कंज्यूम अगर बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, एमपीसी अगर घटेगा तो मल्टीप्लायर भी घटेगा, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है पॉजिटिव रिलेशन है, तो ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, आंसर विल बी ए। यहाँ पर आपको समझ में आ गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर किसी ने एक पढ़ा है तो आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को जरूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में इसके बहुत सारे फॉर्मूला भी बार बार पूछे जाते हैं और एक एमपीसी और मल्टीप्लायर से रिलेटेड फॉर्मूला है मैं बताती हूँ। देखिए के इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एमपीसी, आप लोगों को पता होगा फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला इज के इज इक्वल टू वन अपॉन एमपीएस एंड थर्ड फॉर्मूला मैं नहीं बता रही हूँ, एक और फॉर्मूला है जो कि मैंने हर वीडियो में जब भी क्वेश्चन आया मैंने बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे थर्ड फॉर्मूला, ठीक है, दो फॉर्मूला मैंने बता दिया ऑलरेडी, ठीक है, तो देखिए एम सॉरी यहाँ पे एमपीएस यहाँ पे एमपीसी होगा, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहाँ पे क्या होगा एमपीएस होगा, तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला के इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एमपीसी, एमपीसी मीन्स क्या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और के इज इक्वल ये मेरा सेकेंड फॉर्मूला है के इज इक्वल टू वन अपॉन एमपीएस, एमपीएस क्या है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, मल्टीप्लायर एमपीसी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है और पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन अगर हम बात करें मल्टीप्लायर और एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन बोल सकते हैं, नेगेटिव रिलेशन या इनवर्स रिलेशन बोल सकते हैं, मल्टीप्लायर और एमपीएस के बीच में इनवर्स रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रियल इंटरेस्ट रेट इज, तो रियल इंटरेस्ट रेट क्या है आपको फॉर्मूला बताना है। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, फर्स्ट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ मनी, ये तो कुछ समझ में नहीं आया ये होगा ही नहीं, द रेशियो ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट टू द बैंक रेट दिस इज रॉन्ग, ठीक है, द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी रॉन्ग है, ठीक है, मैंने इसका बताया हुआ है पहले भी, देखिए रियल इंटरेस्ट रेट ठीक है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट दोनों को ऐड कर दीजिए तो बनता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, मैं कहाँ लिखूँ देखिए यहाँ पे रियल इंटरेस्ट रेट मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आर फॉर रियल आई फॉर इंटरेस्ट आर फॉर रेट, ठीक है, इसमें से प्लस करते हैं एन नॉमिनल एन फॉर नॉमिनल आई फॉर इंटरेस्ट आर फॉर रेट, ये मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, इज इक्वल टू रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, रियल इंटरेस्ट रेट निकालना है तो क्या करेंगे, रियल इंटरेस्ट रेट आर फॉर रियल आई फॉर इंटरेस्ट आर फॉर रेट ये मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, इज इक्वल टू रेट ऑफ इन्फ्लेशन में क्या करेंगे माइनस कर देंगे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को, ठीक है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन में माइनस कर देंगे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को। देखिए यहाँ पे क्या है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बात देखिए किसी को भी अब इधर उधर करके लिखिए, ठीक है, तो यहाँ पे रियल इंटरेस्ट रेट अगर आपको निकालना है तो नॉमिनल में से आपको रेट ऑफ इन्फ्लेशन को माइनस करना होगा,
ठीक है, नॉमिनल में से नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में माइनस करेंगे रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो हमारा क्या निकलेगा, रियल इंटरेस्ट रेट निकलेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। तो यहां पर मैंने देखिए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक ही चीज है, ठीक है, सेम ही चीज है मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज करेक्ट, आंसर विल बी डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर मैंने बता दिया ए है, ठीक है, ए में टिक मैंने टिक किया, इसका आंसर ए है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन मैं एंड करती हूँ। आज हमारे यहाँ होली, कल बहुत जगह पे होली दो दिन मनाया गया, कल भी और आज भी, लेकिन मैंने अपना काम नहीं छोड़ा, मैंने वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग अगर मेरा वीडियोस आपको, अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोग सभी बहुत अच्छे से होली मनाइए। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो न्यू क्वेश्चंस के साथ।